मूवी के स्टार्ट में हम एक मार्ट को देखते हैं जहां पर थैंक्सगिविंग के डे पर ब्लैक फ्राइडे की सेल की तैयारी की जा रही थी और यहीं पर स्टोर में एक वर्कर अपने सेक्शन को तैयार करने जाता है। वहीं पर उसको एक अजीब सी चीज नजर आती है और वो चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वो अपने मुंह से कुछ व्हाइट टेंटिकल्स निकालकर उस वर्कर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो वर्कर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो अपने साथ वाले वर्कर्स पर भी अटैक कर देता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर कैन को देखते हैं, जो अपनी बेटियों को थैंक्सगिविंग डे मनाने के लिए उनकी मदर के पास छोड़ने आया था। लेकिन कैन की बेटियाँ थैंक्सगिविंग डे अपने फादर के साथ मनाना चाहती थी, क्योंकि उसको ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी और फिर शायद उसका थैंक्सगिविंग का बोनस भी रह जाता। और यहाँ पर हम स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक था। शायद वो अपने लिए सैनिटाइजर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी फैमिली थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकता था। शायद उसको भी अपने स्टोर पर जाना था अपनी जॉब के लिए। और फिर क्रिस को पिक करने कैन आता है। इससे ये बात हमें पता चलती है कि ये दोनों एक ही स्टोर पर काम करते थे। और यहाँ पर वो जाते हुए उसी मार्ट को देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और अब शायद ये चीज देखकर इनको बहुत ज्यादा हैरानी थी कि इतनी बड़ी सेल वाले दिन ये स्टोर को कैसे बंद रख सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों अपने स्टोर में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बोल रहा था कि उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा और उसमें कुछ अजीब सी चेंजिंग हो रही थी। और यहाँ पर कैन के स्टोर में थैंक्सगिविंग और ब्लैक फ्राइडे की सेल की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर स्टोर में हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि यहीं पर काम करते थे। और यहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है जो कि कैन से वॉशरूम का पता पूछता है और कैन उसको वॉशरूम का पता बता देता है। और तभी हम एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है और वहाँ पर अचानक से डोर क्लोज हो जाता है और वहाँ पर एक अजीब सी चीज उस पर अटैक करती है। और यहीं पर सीन कट होने के बाद हम बाकी सब एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। वो शायद अपने ऑनर के बारे में बात कर रहे थे, जिसका बिहेवियर बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा नहीं था। और तभी यहाँ पर उनका ऑनर आता है और उनको आज के काम के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं, इसने शायद यहाँ पर न्यू जॉब स्टार्ट की थी। और यहाँ पर वो कैन से बात करता है और कैन उसको इस बात की तसल्ली देता है कि वो आराम से अपनी जॉब करे। इसके बाद स्टोर के दरवाजे को खोल दिया जाता है और कस्टमर्स का रश स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर क्रिस, जो कि कैश काउंटर पर बैठा था, बिलिंग करने में बहुत ज्यादा लेट कर रहा था और यहीं पर खड़ी एक ओल्ड लेडी कस्टमर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। और तभी उसका ऑनर आकर उसका काउंटर बंद कर देता है और उसको सफाई के लिए बोलता है। और इधर कैन अपने सेक्शन में कस्टमर को पागल बोलता है, जिसे वो ओल्ड लेडी सुन लेती है और कैन को कहती है कि वो स्टोर के टुकड़े टुकड़े कर देगी। और इसकी बात को कैन सुनकर इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी स्टोर में लगी सेंटा चेयर पर जाकर बैठ जाती है और उसकी चेयर के नीचे हम उसी अजीब चीज को देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी, जो कि किसी मॉन्स्टर या फिर किसी एलियन की तरह लग रही थी। और यहाँ पर क्रिस फ्लोर पर बहुत ज्यादा ब्लड को देखता है और यहीं पर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को कह रहा था कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और अब वो अचानक से क्रिस पर अटैक कर देता है और उसका चेहरा ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, साथ ही वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर की तरह भी फील हो रहा था। लेकिन क्रिस किसी तरह अपने आप को उस आदमी से बचा लेता है, लेकिन एक और लेडी आकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन क्रिस उस लेडी को हिट करके पीछे करता है, जिसकी वजह से उस लेडी के ऊपर सारा सामान गिर जाता है। और यहीं पर एक और एम्प्लॉय क्रिस को देखता है, लेकिन उसको कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने लेडी को हिट क्यों किया। इसके बाद दो लेडी एम्प्लॉय क्रिस को पकड़कर बंद कर देती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने उस लेडी को हिट क्यों किया, जिस पर क्रिस उनको बताता है कि उस लेडी ने पहले उसको हिट किया था। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जिसने स्टोर में न्यू जॉब को स्टार्ट किया था। वो एक लेडी को देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई है। तभी वो लेडी अपने मुंह से अजीब से टेंटिकल्स निकालकर उस पर अटैक करती है। तभी यहाँ पर कैन आ जाता है, वो एक बोर्ड से उस लेडी को हिट करता है, लेकिन उस लेडी को कुछ भी फील नहीं होता। और कैन उस लड़के को लेकर स्टोर रूम में आ जाता है और यहाँ पर शायद सबको इस बात का पता चल गया था कि उनके स्टोर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। और तभी वो सब लोग कहते हैं कि वो लोग पुलिस को नहीं बुला सकते, जिसकी वजह से उनका स्टोर बंद हो जाएगा। और अब कैन इन सबको बताता है कि एक लेडी कस्टमर ने इस पर अटैक किया है। तभी क्रिस सबको बताता है कि कस्टमर्स के साथ कुछ तो अजीब है, जो वो ऐसे सब पर अटैक कर रहे हैं। और इनकी बातों के दौरान ही वो लड़का अचानक से जिंदा हो जाता है और अपनी एक लेडी एम्प्लॉय पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी एम्प्लॉय मर जाती है। अब ये देख कर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़का खड़ा हो जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी या फिर मॉन्स्टर में बदल गया था। और अब वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे
थे और वो दूसरे स्टोर्स में कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कॉल को अटेंड नहीं कर रहा था और ना ही कोई पुलिस स्टेशन में कॉल को अटेंड कर रहा था। और इस बात से अब हमें ये पता चलता है ये जो मॉन्स्टर या एलियन वाली कोई चीज थी इसने पूरे एरिया को इफेक्ट कर दिया था। और जब वो कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी कॉल एक स्टोर में कनेक्ट होती है। वहाँ की एम्प्लॉय इनको बताती है कि शॉपर्स मिलकर सब पर अटैक कर रहे हैं और सब मिलकर कोई वियर्ड सी चीज बन गई है। और अब वो उसकी बात को सुनकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब वो यहाँ से सब भागने की बात करते हैं। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो सभी कस्टमर्स एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और वो सभी लोग मॉन्स्टर ज़ॉम्बी में बदल गए थे और स्टोर में हर जगह पर तबाही मची हुई थी। इसके बाद ये सब लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाने की बात करते हैं और सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब केन वॉशरूम में अपनी विस्की की बोतल को ढूंढने लगता है जिस पर उसका मैनेजर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। और केन यहाँ पर विस्की की बोतल को क्यों रखता है, तभी वो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है जिसकी वजह से बाथरूम में बैठा मॉन्स्टर जाग जाता है, जो कि वही डिलीवरी मैन था जिसने स्टार्ट में केन से वॉशरूम का रास्ता पूछा था। लेकिन केन अपने आप को बहुत ही मुश्किल से उससे बचा लेता है। तभी उनकी लेडी एम्प्लॉय कैमरे की मदद से देखती है कि वहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी चीज है जो सबको अपने अंदर समा रही थी। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। इसके बाद सब लोग इकट्ठे जमा हो जाते हैं और केन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी फैमिली से उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद मेन डोर के पास लेडी एम्प्लॉय पुलिस की कार को देखती है, जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि शायद पुलिस इनको बचाने आ गई है। लेकिन वो कार सीधा डायरेक्ट अंदर आ जाती है और वो लेडी एम्प्लॉय मर जाती है। और अब इसकी वजह से और भी ज्यादा सब लोग डर गए थे और अब इसके बाद मॉन्स्टर का रास्ता खुल गया था। और यहीं पर हम एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि अपने आप को बचा रहा था, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेडी मॉन्स्टर आ जाती है और वो इसको मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद क्रिस जो ये सब देख रहा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सबके पास सेफ रूम में आ जाता है। और अब सब लोग शायद थक कर बैठ गए थे और बहुत ज्यादा उदास थे और सभी यहाँ पर एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल थे कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है और वो इस बात पर बहुत ज्यादा उदास थे कि हम लोग थैंक्सगिविंग अपनी फैमिली के साथ नहीं मना सकते। तभी वहाँ पर एक लेडी एम्प्लॉय को स्नैक्स लेकर आ जाती है और सबके साथ शेयर करती है और वो ये सबसे कहती है कि शायद वो अपना थैंक्सगिविंग ऐसे ही मना सकते हैं। और यहीं पर केन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी फैमिली से उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। और यहीं पर हम उस अजीब सी चीज को देखते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी। सब एलियंस इकट्ठा होकर एक बहुत ही बड़ी चीज में कन्वर्ट हो गए थे जिससे एक बहुत ही बड़ा एलियन क्रिएचर बन रहा था। और दूसरी तरफ जब सब लोग अपने आप को बचा रहे थे तभी केन के हाथ पर कोई चीज अटैक करती है जिसे लगता है कि शायद उसे एलियन ने बाइट कर लिया है। और क्रिस उसको कहता है कि वो अपने इस हाथ को काट दे जिससे वो बच जाएगा। इसके बाद वो फिर सब लोग केन को छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन अब केन इस बात का वेट करता है लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं बन रहा था। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था और यहीं पर वो बड़े डैडी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि उसे किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उसके मैनेजर ने उसको बाइट किया है ताकि वो अपने ग्रुप से अलग हो सके। तभी वहाँ पर एक बड़े वाली लेडी मॉन्स्टर आ जाती है जो कि केन पर अटैक करती है और केन उसे बचकर भागता है और उस डैडी को एक जगह पर फेंक देता है और वहाँ पर आग लग जाती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है। और तभी वो लेडी मॉन्स्टर के गले में एक लॉकेट को देखता है जो कि उस ओल्ड लेडी के पास था। अब उसको याद आता है कि लेडी मॉन्स्टर वही ओल्ड लेडी है और यहीं पर उसको उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि वो सब लोग सेफ हैं। इसके बाद वो बहुत ज्यादा पुरसकून हो गया था। इसके बाद क्रिस और लेडी एम्प्लॉय जो बच गए थे अब वो रूफ टॉप पर देखते हैं कि वही चीज मिलकर एक बहुत ही अजीब चीज में बदल रही थी। और अब यहाँ से सब लोग भागने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वो देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी अपने आप को उसी चीज में समा रही थी। और अब वो देखते हैं कि रूफ टॉप को तोड़कर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसकी दो शक्लें थी वो बाहर आ जाता है जो सब लोगों को अपने अंदर समा कर बना था। और तभी उस मार्ट का ओनर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि वो डरे नहीं, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर उसको दूर फेंक देता है और मार देता है। इसके बाद वो लेडी एम्प्लॉय और क्रिस यहाँ से भागने के लिए एक अनलॉक कार को ढूंढ रहे थे और तभी वो देखते हैं कि केन भी भागते हुए बाहर आ जाता है। और अब ये सब लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं और यहाँ से भागने की बात करते हैं। बेसिकली ये एलियन क्रिएचर शायद किसी और दुनिया से आया था जो यहाँ पर सबको पोजेस कर रहा था। और यहाँ पर ये लोग इस बात को डिसाइड करते हैं कि एक मॉन्स्टर को रोकेगा और बाकी दो यहाँ से भाग जाएंगे, जिस पर क्रिस कहता है कि इस मॉन्स्टर को मैं रोकूंगा। लेकिन केन उसको मना कर देता है
होता है। अब क्रिस यहाँ पर एक ट्रक में बैठता है और मॉन्स्टर उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिस पर क्रिस अचानक से ट्रक के ब्रेक्स को हटा देता है और वो ट्रक मॉन्स्टर से जाकर लग जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट आती है और वो गुस्से में भी आ जाता है। लेकिन जब तक कैन, क्रिस और वो लेडी एम्प्लॉय कार में बैठ चुके थे और अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और मॉन्स्टर इनको देख रहा होता है। लेकिन इनको ये लगता है कि शायद ये सब लोग बच गए हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो ऐसे ही अजीब से मॉन्स्टर हर जगह पर थे। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।